हेलो एंड नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वुमेंस डे स्पेशल बीसीएन न्यूज़ की सीरीज़ में। मैं दिशा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अब तक हमने बहुत सारे महिलाओं के इंटरव्यूज़ लिए, जहाँ पे हमने जाना कि किस तरीके से उनकी स्टोरी है, किस तरीके की उनकी जर्नी रही है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है हमें। और इसमें हमारे साथ अभी है सेंट्रल इंडिया की मशहूर मेकअप आर्टिस्ट शबाना मोटवानी जी। बहुत बहुत स्वागत है शबाना जी, आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। शबाना जी के बारे में बताना चाहूँ तो शबाना जी मेकओवर स्टूडियो चलाती है, साथ ही ये नागपुर की सबसे पहली मेकअप आर्टिस्ट है। साथ ही मेकअप को और ही भी अच्छा बनाने के लिए जो चीज़ें सीखी जाती है, इन्होंने ही नागपुर की पहली है जो बाहर जाके, मतलब देश के बाहर जाके सीखी है। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पर्सनैलिटी है ये। साथ ही इन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का भी मेकओवर किया है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। फिर एक बार स्वागत है आपका। इट्स एक्चुअली अ प्लेजर हैविंग यू विद अस टुडे। शबाना जी, इतनी सारी चीजें, और मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें सबसे पहली बार की है। तो कभी आपने सोचा था कि आप ये सारी चीजें करेगी, मतलब किस तरीके से आपकी जर्नी इस बारे में? सच में तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इतने आगे बढ़ूंगी मैं। बट शायद मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरा क्लाइंटल बेस बहुत अच्छा रहा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत सराहा, उन्हें मेरा काम बहुत पसंद आता था। तो यही रीज़न था कि जब चीज़ें बहुत अच्छी होने लगी, और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कहीं से कोई कोर्स नहीं किया था। खुद से ही स्टार्ट किया था। जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ मिलते थे नागपुर में, वही उठा के उनसे ही मेकअप करना स्टार्ट किया था। और जैसे जैसे क्लाइंट को पसंद आने लगा, तो समझ में आया कि शायद मुझ में कुछ है जिसे मुझे और पॉलिश करना है। तो इस रीज़न से मैंने इसके पीछे खुद से पहले बहुत मेहनत की है कि मुझे कैसे काम करना है, क्या करना चाहिए। तब स्टार्टिंग में यूट्यूब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ था, तो थोड़ा यूट्यूब से देख देख के सीखा था। तो ऐसे करते 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 4 से 5 साल निकल गए जब मैं इस फील्ड में आई। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, इस फील्ड में बहुत कुछ है जो आप और सीख सकते हो, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए फिर मैंने देखा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। कुछ मेरे एक्सपीरियंस बहुत ख़राब भी रहे, तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि अगर आपको सिखाना है तो आप ऐसा सिखाओ कि आपके पास से स्टूडेंट निकल के कुछ बनना चाहिए। और मेरी कोशिश शुरू से लेके आज तक यही रही है कि मैं अपने स्टूडेंट को वो सारी चीज़ें दूँ जो मुझे बहुत मन दुखता था कि यार मैं इतना पैसा खर्च करके यहाँ गई और मुझे नहीं मिली है। तो बस मतलब यही रीज़न रहा है कि बस कोशिश की है कि जितना ज़्यादा सीख सकती हूँ बाहर जाके इंडिया से, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीख के और सारा एक निचोड़ बना के मैं अपनी क्लासेस लेती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स भी तैयार किए हैं, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट भी हमारे नागपुर के हैं जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। इवन नागपुर के बाहर से भी चारों तरफ से आते हैं सीखने के लिए। ओवरऑल शुरू से लेके आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड से रहा है, बहुत अच्छा रहा है। और मैं चाहूँगी कि हर एक बंदी इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड बहुत अच्छी है और बहुत मायने रखती है। मेहनत तो खैर बहुत मैं है। ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से आपने सारी महिलाओं को बोला कि इस फील्ड में आना चाहिए, आपकी एंट्री इस फील्ड में कैसे, मतलब उसके पीछे भी कोई कहानी थी उसके बारे में? ऐसे सचेस बहुत कहानी कहा जाए या ना पता नहीं मुझे, लेकिन मेरी सोच थोड़ी आम औरतों से अलग है। शायद मुझे ऐसा लगता था कि जो औरतें काम करती हैं उनकी फैमिली उनके तरफ ध्यान नहीं देती है। अच्छा, वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल। जैसे उनकी छोटी छोटी चीज़ें, अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है, कुछ भी चीज़ें घर की हो या फिर उनकी अपने पर्सनल ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको ऐसे सचेस लिया नहीं जाता कि हाँ उन्हें ये चीज़ की ज़रूरत है। और मुझे भाई हो, पापा हो या हस्बैंड हो, तो उन्हें ऐसा लगता नहीं है कि ये चीज़ हमको दिला के देनी चाहिए, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं होती कि हम उनसे मांगे कि हमें ये चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा बैकड्रॉप लगता था शायद मुझे कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ, जिसका निभाना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन इस फील्ड में आने का रीज़न कुछ पर्सनली ज़रूरत ही थी, फाइनेंशियली ही, जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया था। और जब स्टार्ट किया तो
कभी सोचा भी नहीं था कि इतना आगे बढ़ जाऊंगी और आपके साथ आके यहाँ बैठूंगी लेकिन खैर अल्लाह का बहुत शुक्र है और मैं अपने सारे क्लाइंट्स का भी बहुत शुक्र अदा करती हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और उनका बहुत प्यार मिला, उन्होंने बहुत सराहा और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है आगे बढ़ने के लिए। और अब तो खैर मैं सबसे यही कहूँगी कि नहीं, आपको भी करना चाहिए काम, बिल्कुल घर में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि दोनों एक इसका बैकड्रॉप सिर्फ इतना ही है कि हाँ आपकी छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी फैमिली अवॉइड कर देती है क्योंकि उन्हें उस चीज़ का एहसास ही नहीं होता है कि आपको भी चाहिए होती है ये चीज़ें। लेकिन अगर आप खुद से कुछ बनते हो और आगे बढ़ते हो तो आपको आपकी जो इज्जत है वो बहुत अलग हो जाती है। मतलब थोड़ा सा लैग बैकड्रॉप है बट वही कि होता है, चलता है हर एक चीज के साथ, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। हाँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से। शबाना जी, मैंने आपके बारे में ये भी सुना कि आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स भी आपके नाम है, जैसे आपको हमेशा ही मेकअप आर्टिस्ट के लिए अवार्ड मिले गए हैं, साथ ही आपकी दो बार आपको मेकअप स्टूडियो के अकेडमी का अवार्ड मिला है। तो मैं जानना चाहती हूँ और भी अचीवमेंट्स जो मतलब हमें शायद पता नहीं और हमारे दर्शकों को शायद पता नहीं, उनके बारे में बताइए। बस मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही है कि बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का तो खैर अवार्ड चालू ही रहते हैं और बेस्ट मेकअप एकेडमी का अवार्ड मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए। जो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरी एकेडमी सबसे बेस्ट हो और इस फील्ड में आने के बाद सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है जो अचीव है वो सबकी दुआएं हैं। मतलब दुआएं सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ओके शबाना जी, कहीं ना कहीं जब आपने इस चीज को ठाना कि आपको ये करना है, उसके बाद कभी ऐसे लोगों ने अपोज किया इस चीज को कि यार ये क्या कर रही है, कुछ है क्या इसमें, तो ऐसा कभी आपके साथ? से सराउंडिंग से ये चीजें तो जरूर सुनने के लिए मिली कि क्या कर रहे हैं। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोगों का तो कहना ये था कि तुम क्या नाई हो जब बाल ओके ओके तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी एज भी बहुत कम थी और मेरे हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया है, सो सबसे पहले तो जो आपके ऊपर एक रहता है ना कि आप बाहर निकलते हो तो बातें ज़्यादा होती है कि पता नहीं कहाँ घूम रही है, किसके साथ घूम रही है, बच्चे छोटे हैं छोड़ के, तो ये सारी चीज़ें कभी कभी बहुत बुरी लगती थी और बहुत बैठ के रोती थी अकेले कि ऐसा क्यों बोलते हैं लोग, मैं तो किसी के पास नहीं जाती और ये सारी चीज़ें नहीं, मतलब मैं तो किसी के बारे में नहीं बोलती हूँ कि आप क्या कर रहे हो, तो वो लोग मुझे क्यों बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। लेकिन इसके अलावा इस फील्ड में शायद मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे क्लाइंट इतने अच्छे मिले कि ये सारी चीज़ें मुझे बुरी ही नहीं लगती थी। थोड़े देर के लिए लगता था कि फिर वो क्लाइंट की वजह से ठीक हो जाती थी, लेकिन ऑटोमेटिकली ही दिमाग से निकल भी जाती थी। और ओवरऑल इसमें मेरे बच्चों का भी सपोर्ट मुझे बहुत रहा है, इस मामले में बहुत लकी रही कि उन्होंने मुझे कभी नहीं सताया कि मुझे उनके पीछे कभी नहीं घूमना पड़ा, शायद इसीलिए मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ते चली गई चीज़ों को लेके। ओके शिवाना जी, कहीं ना कहीं इतनी सारी जर्नी में जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों ने बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोगों ने डिस्करेज किया, तो जैसे हमने कहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ पे जितने लोगों ने आपको डिस्करेज किया वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने आपको बहुत इनक्रेज किया, बहुत सपोर्ट किया, तो ऐसे कौन लोग थे जिनका नाम जैसे ही सपोर्ट वर्ड आता है वो आपको सुनाई देता है तो उनका ही नाम याद आता है? मेरी बहनें दोनों भी। अच्छा। मेरी दो बहन है, शमीमबाजी और फरीदाबाजी, ये लोग दोनों ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है। हमेशा मैं इनके पास ही बैठ के रोती थी जितनी भी चीज़ों को लेके, और सबसे बड़ा रोल मेरी बड़ी बहन का ही रहा है शमीम बाजी का, उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं शबाना तू कर, तुझे तेरा हाथ बहुत अच्छा है, तू चीज़ें बहुत अच्छी करती है, तू कर तू कर। तो ओवरऑल मैं अगर सोचती हूँ इस जर्नी के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन का ही चेहरा मेरी आंखों में घूमता है, उसके सिवा और कोई नहीं था कि जो मुझे बोले कि आगे बढ़ जा करके। अच्छा शबाना जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि आप पहली है जो नागपुर की मेकअप आर्टिस्ट है, पहली है जो मेकअप सीखने के लिए देश के बाहर गई है, तो अब क्या आपके घर में भी सबसे पहली है ये मेकअप इंडस्ट्री में आने के लिए? मेरी सिस्टर है जो पार्लर चलाती है, वो ब्यूटिशियन है, क्योंकि उस वो सारी चीज़ें करती है, मैं अकेली ही हूँ जो सिर्फ मेकअप करती हूँ। ओके okay. और जैसे आपने कहा कि हमारे पूरी खानदान में मैं अकेली ही हूँ ससुराल और मायके,
जिसमें सबसे आगे हूँ। कुछ और भी हैं जो पार्लर चलाते हैं, बट छोटे छोटे पार्लर चलाते हैं, बट मेरे मायके और ससुराल पूरी खानदान में मैं अकेली हूँ। शिवाना जी, एक और सवाल था कि कहीं ना कहीं हर किसी को कोई ना कोई इंस्पायर करता है, मतलब अगर उनका नाम सुने या फिर उनकी कहानी सुने, उनके उन्हें देखे, तो वो हमेशा हमें इंस्पायर करते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा इंस्पायरिंग पर्सन कौन है? इंस्पिरेशन में मैं अपने क्लाइंट्स को ही देना चाहूँगी, क्योंकि वही मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। उन्हें मेरा काम बहुत अच्छा लगता था और वो हमेशा ही बहुत तारीफ करते थे। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझ में ये स्किल है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और उसके बाद से फिर मैंने अपने आप को पॉलिश करना शुरू किया और आज अल्लाह के करम से यहाँ हूँ मैं। तो मेरी इंस्पिरेशन मेरे क्लाइंट्स ही हैं। क्लाइंट्स और कहीं ना कहीं खुद भी, कि मतलब क्लाइंट्स ने जो चीज़ें भाई उसके ऊपर वर्क करना और उसके बाद आप इंस्पायर हो गए इन सारी चीज़ों से कि यार मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। कर सकती हूँ। शबाना जी, एक और सवाल, मतलब हर किसी की जर्नी में कोई ना कोई ऐसा पड़ाव आता है जहाँ उसको लगता है यार नहीं हो रहा है, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? हाँ, ऐसा जब बच्चे छोटे थे तो कई बार ऐसा लगता था, जब मैं उन्हें छोड़कर जाती थी काम के लिए और वापस आती थी तो सुबह से लेकर शाम हो जाती थी। कई बार तो कई बार मैं 5:30-6 बजे से निकलती थी घर से और रात में 11-11:30 बज जाता था, और एक तरीके से सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक मेरे बच्चों का रोज़ा रहता था, समझ जाइए। वो कुछ खाते पीते नहीं थे, जो भी उनके लिए बना के मैं रख के जाती थी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ और मेरे बच्चे कुछ खा पी नहीं रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं, मैं सब छोड़ दूँ और अपने बच्चों का ध्यान रखूँ। फिर जब ऐसा लगता था कि नहीं करना है और दूसरे दिन ही पता चलता था कि मेरे बच्चे ही मुझे बोल रहे हैं कि मम्मी आज आप कहीं जा नहीं रहे हो, तो फिर समझ में आता था कि नहीं करना है करके। तो ये चीज़ थोड़ा फेस की, और मैंने अपने बच्चों का बचपन भी बहुत मिस किया। और यहाँ पर सच में मैं कोरोना को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो 2 सालों में मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी जी, बहुत टाइम स्पेंड किया और समझा कि वो कैसे हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं काम के पीछे बहुत दूर हो गई थी मैं। बट इन सारी चीज़ों में आपने टाइम कैसे मैनेज किया? मतलब कहीं ना कहीं ये भी होगा कि आपने बच्चों की तरफ भी ध्यान दिया होगा, यहाँ पे क्लाइंट्स की और भी ध्यान दिया होगा, तो ये सारी चीज़ें आपने कैसे मैनेज कर ली? ये नारी शक्ति बोल सकते हैं आप, हो जाती है, क्योंकि कुदरती तौर पर गॉड गिफ्टेड ही है एक औरत को कि वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें कर लेती है। वुमेन्स बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर लेती है, ऑटोमेटिकली हो जाता है वो। ये बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम लोगों को गॉड गिफ्टेड है ये चीजें, अच्छे से कर लेते हैं। ओके, एक आखिरी सवाल जो आपसे था कि महिला मतलब वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन चल रहा है और बहुत लोग महिलाओं की न्याय को लेके या फिर उनके अधिकारों को लेके बातें करते हैं, एक सवाल आपसे था कि व्हाट डज एक्चुअली वुमेन वांट, मतलब एक लेडी को क्या चाहिए आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से तो एक औरत को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, सिर्फ अगर वो मैरिड है तो उसको के हस्बैंड के तरफ से थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा केयर। मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत को ऐसे लाखों करोड़ों के गिफ्ट की ख्वाहिश रहती है। अगर उसका पति उसे 5 रुपये का फूल भी ला के देता है तो भी वो खुश हो जाती है। और पूरी दुनिया में सिर्फ एक औरत ही ऐसी चीज है जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए होता है। मतलब बाकी हर एक की कुछ ना कुछ नीड रहती है, लेकिन जब औरत शादी के बाद जब वो एक औरत बनती है, तब से लेके मरते दम तक मुझे नहीं लगता कि उसकी स्पेशली पर्सनली कोई नीड होगी कि उसे वो चाहिए होता है। उसे सिर्फ अपने बच्चों का प्यार और पति की थोड़ी सी केयरिंग, इसके अलावा मुझे पर्सनली या फिर जितना मैंने देखा है आज तक अपनी ज़िंदगी में, एक औरत को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। मतलब कहीं ना कहीं बस प्यार, केयर, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं जो एक लेडी को चाहिए होती। एक और आखिरी सवाल, घर के भी नहीं, थोड़ा थोड़ा भी दिया ना तो हम औरतें बनी हुई है कि हम उसमें भी खुश रहते हैं। ओके, और एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे कि जितने भी तमाम दर्शक देख रहे हैं, जितनी भी तमाम महिलाएं BCN के माध्यम से आपको देख रही है, उन सभी को आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगी? बस इतना ही बोलना चाहूँगी, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आप लोगों को। एक औरत को काम करना चाहिए, थोड़ा कुछ ना कुछ कमाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में यही देखा है कि अगर आप थोड़ा कमाते हो तो आपकी इज्जत भी उस तरीके से होती है। आप घर का कितना ही काम कर लो बट आपका वो काउंटिंग में नहीं आता है, तो आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए साइड बाय साइड अपने घर के साथ साथ। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री होना चाहिए,
मैं सिर्फ 10th पास हूँ, इससे ज़्यादा मेरा एजुकेशन नहीं है, बट मैंने डॉक्टर्स को भी सिखाया है, इंजीनियर्स को भी सिखाया है, इवन पुलिस में भी एक बच्ची थी जो नेक्स्ट पुलिस में भर्ती होने वाली थी, वो भी मेरे पास आके सीख कर गई है। तो मेरे पास हर तरीके की, हर फील्ड की लेडीज़ आके सीख कर गई है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आएगा तो ही आप आगे बढ़ोगे, आपके पास डिग्री रहेगी तो ही आगे बढ़ोगे। आप कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए और बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको रिस्पेक्ट तो दिलाती है, पर इससे कहीं ज़्यादा ये आपको इंडिपेंडेंस भी दिलाती है, आप आत्मनिर्भर बनती है, और कहीं ना कहीं यही समय की मांग भी है। ये थी हमारे साथ शबाना मोटवानी जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी, बहुत ही क्यूट सी, और जितनी क्यूट ये दिखती है उतनी क्यूट इनकी बातें भी है, और बहुत ही सिंपल ये जो शबाना जी है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पे बात करके, और इट वॉज एक्चुअली एन ग्रेट सेशन। तो दर्शकों, फिलहाल हमारे इस वुमेंस डे की स्पेशल सीरीज में इतना ही। ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।